सुन ले सदा। ठीक है, भिजवा दूं, मैं देख लेती। हाँ तबीयत ठीक है बिल्कुल, बस सर में दर्द हो रहा है। मुझे भिजवा दो फाइल, मैं अभी देख लेती हूँ। ओके। मैडम, मिस सुहा ने ये फाइल भिजवाई है। मिस दुआ, ये क्या है? इस पर अमाउंट में मिस्टेक क्यों है? आपने ठीक तरह चेक नहीं किया था? सॉरी सर, मैंने ये फाइल मिस आयशा को दी थी, उन्हें ही चेक करके इस पे साइन करने थे। तो इस पर तो साइन भी नहीं है, उन्होंने तो साइन करने की भी जहमत नहीं की। जी सर। आयशा को मेरे रूम में भेजिए। ओके सर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैनेजर साहब ये हो क्या रहा है? अमाउंट में मिस्टेक का मतलब समझती हैं आप? कंपनी का लाखों का नुकसान, पर आप लोगों को क्या? आप लोगों को मंथली सैलरी से मतलब है? सर मैंने तो बिस दुआ को कहा था कि। बस मैनेजर साहब, आपने इनसे कहा था या किसी से भी कहा था? बेड़ा करो तो हमारी कंपनी का होगा। जी सर, आपने बुलाया। साइशा ये क्या है, चेक कीजिए। आयशा, मैंने तुमसे कहा था ना ये फाइल चेक करके इस पे साइन कर देना। I'm really sorry सर, मैं भूल गई। क्या भूल गई थी आप? आपको जरा भी आइडिया है कि आपकी इस भूल से कंपनी का लाखों का नुकसान हो सकता था? आप अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आती हैं? I'm sorry sir. आपके सॉरी करने से ना सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बहुत ही लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है आपने। साइन किए बगैर ही मेरे पास फाइल आ गई। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा था, शायद इसलिए मिस्टेक हो गई। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको घर पर रेस्ट करना चाहिए था। आपने हमारे ऑफिस में आने की जहमत क्यों की? यहां पर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास नहीं है, सिर्फ टाइम पर सैलरी चाहिए। That's it. इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो ज्यादा सहल पसंद हो जाता है। सर आपकी और मेरी औकात में कोई फर्क नहीं है। जिस मिट्टी से अल्लाह ने आपको बनाया, उसी मिट्टी से अल्लाह ने मुझे भी बनाया है। और जहाँ तक रही बात इस गलती की, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं इसको ठीक कर आपको देती हूँ। प्लीज आप लोग भी जाइए। आयशा तुम क्यों रो रही हो? अस्वद सर तो सब पे इसी तरह गुस्सा करते हैं ना। को करते, लेकिन मुझ पे क्यों किया? क्या मतलब, तुम कोई स्पेशल हो क्या उनके लिए? और वैसे भी हम सब तो एम्प्लॉय है ना, काम में तो ऊंच नीच होती रहती है। सही कह रही हो तुम, मैं क्यों स्पेशल हूँ क्या उनके?
ऐसा दिमाग ही खराब है कि बंसी। टेक इट इजी आयशा, देखो गलती तुम्हारी है, तुमने भी फाइल जो है वो बगैर चेक किए अस्पताल सेल को भेज दी ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, पूरी रात की नहीं सोई हुई मुझे शायद इसी वजह से। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि बात क्या है। कुछ जो है उनकी वजह से। देखो अब तुम पूरी रात नहीं सोई हो तो इसमें सर अस्वंत का क्या कसूर है? तुम्हारी अपनी कोई परेशानी होगी ना जिसकी वजह से तुम जागती रही हो। हाँ सही कह रही हूँ, लेकिन ये खुद को समझता क्या है? ये अकड़ क्यों है इसमें? बस नहीं चल रहा था कि मैं ये जॉब ही छोड़ दूँ। इसमें जॉब छोड़ने वाली क्या बात है? अस्वर सर को तो वैसे भी गुस्सा आता है ना, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी फाइल दो, मैं देख लेती हूँ और तुम साइन कर दो इसमें, ठीक है? क्या हो कहने का यहाँ पे? वो कोने पे दुकान है उसकी। यहीं पर ही? जी। जज़ाकअल्लाह भाई। तुम्हें भी अभी साथ छोड़ना था। जी बाजी शरीयत, क्या हो गया भाई? पता नहीं क्या मसला आ गया, अच्छी खासी चल रही थी, रास्ते पर झटके लेके बंद हो गई एकदम से। देख सकते हैं क्या हुआ है? चलो चेक कर लेता हूँ। अब्बास बेटा इधर आ। देख यार बेटा इसका प्लग खोल, चेक कर, ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। भाई सर जल्दी कर ले, नमाज का टाइम हो गया मेरी। बाजी मैं करवा देता हूँ, जल्दी खोल यार, बाजी की नमाज का टाइम हो रहा है।
या इसको जरा साफ कर अच्छी तरीके से लगा, फिर जल्दी कर दे जरा। क्या मसला आया भाई? बाजी कोई नहीं, कचरा आ गया होगा, अभी चेक कर रहा हूँ मैं, लगा देता हूँ उसमें, अभी परेशान ना हो आप। हाँ चल इसको लगा जल्दी से जरा। ले बाजी हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत शुक्रिया भाई। कितने पैसे लेंगे भाई? अरे बाजी क्यों शर्मिंदा कर रही है, छोटा सा तो काम था, कोई बात नहीं, दुआ दीजिएगा बस। जज़ाक अल्लाह भाई। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं भाई। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। सुभान अल्लाह, वही खुदा है। शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना तो आपकी रोती शक्ल देख के ना मुझे उलझन ही होना शुरू हो गई थी। वैसा भी नहीं है। ऐसा ही है, असबद आपकी मंगनी पे अपना चेहरा देखा था और मुझे पता है उस दिन पूरी रात जागी आप। अच्छा, मुझे तो लगा तुम सो रही हो। हाँ तो सो ही रही थी, लेकिन जब जब मेरी आँख खुली तब तक मैंने आपको जागता वही पाया। वैसे क्या बात है, इतना खुश क्यों है? असबद साहब ने आपकी तारीफ शारीफ तो नहीं कर दी? बल्कि उल्टा ही हुआ है, मुझसे काम कुछ गलत हो गया था, बहुत इंसल्ट किया आज उन्होंने मेरी। तो इतना क्यों चहक रही हैं आप? क्योंकि मेरे रब की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। आयशा भी, वो अम्मी कह रही हैं दो टमाटर ऐसे दे दें। जी जी मेरी बात सुनो, अब तुम्हें टमाटर चाहिए? अभी तो तुम प्याज मांगने आए थे, उससे पहले हरी मिर्चें। अपनी अम्मी से कहो ना खाना भी मत बनाए, वो भी हम बना के दे देंगे। शुक्रिया भी। आपने ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, ऐसा लगता है इनके घर का महीने का आधे से ज्यादा राशन तो हमारे घर से जाता है। जमीर ये ऐसे नहीं कहते, अगर वजात अंटो का काम रुका हुआ है और हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो उसमें क्या बुराई है, तो नेगी का काम है, वैसे भी वो हमारे पड़ोसी हैं। थोड़ी सी ठीक है, ये रोज रोज का क्या है इसका, ऐसे थोड़ी होता है, और पड़ोसी है तो क्या हमने ठेका ले रखा है? हदीसे पाक में है, जो शख्स आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। पड़ोसियों के बहुत सारे हकूक होते हैं मेरी बहन, अभी कराओ ये देखो मैंने सेटिंग किया, कैसी लग रही है? आपने किए तो अच्छी लग रही है, घी डाल दें? नहीं अच्छी लग रही, वो वाला मैं करूँगी। पहले ये ख़त्म कर ले फिर वहाँ पहुँचेंगे। बट वो मैं करूँगी। ठीक है मेरी अम्मा। क्या मैं आपको आपकी खूबसूरत आंखों में दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं पूरे पूरे। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बता देती, मैं शराफत से मामला आगे बढ़ा देती। क्या कह रही है वो? अचानक से इतनी मोहब्बत, लगता है दाल में कुछ काला जरूर। जी आप कौन? हेलो चार्मिंग हैंडसम। भाईजान की जिंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। तायजान इतना सोच क्यों रहे हैं आप? देखें ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते,
वैसे भी वकास मेरा बचपन का दोस्त है, भरोसेमंद आदमी। मुझे आपकी चाय। हाँ बेटा रख दो। शुक्रिया। एहतिशाम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। ताया जान, इसमें गलत क्या है? मैं आपको सच सच बात बताऊं, अगर मेरे पास सेविंग्स होती ना तो सबसे पहले मैं वकास के पास रखवाता। अरे देखिए, सीधा सीधा हिसाब है, आप 10 लाख रुपए उसे उधार के तौर पर देंगे, हर महीने वो 10 से 15 हजार रुपए आपको प्रॉफिट के तौर पर देगा। जब आपको पैसे चाहिए होंगे 2-4 महीने पहले मुझे बता दीजिएगा, पैसे पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। सिंपल। लेकिन अबू जी, ये तो सूद हुआ ना। आया जान, आयशा को छोड़, इसे कारोबारी बातों का क्या पता। देख ले, अगर आप एग्री हैं तो मैं वकास को कह देता हूँ, कल वो एग्रीमेंट बनाकर ले आएगा, और पैसों की गारंटी है, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हमें सूद नहीं चाहिए। मफहूम हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वाले, उसका गवाह बनने वाले और उसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। एहतिशाम, आयशा की बात 100% दुरुस्त है। तुम्हारा दोस्त मुझसे पैसे उधार ले रहा है ना, उस पर कोई भी मुनाफा सूद कहलाएगा। ठीक है तैयार, आप लोगों की मर्जी है, उसे मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रहा था। आजकल दुनिया को देख लें, यही काम चल रहा है, पूरी दुनिया अपने पैसों पर प्रॉफिट ले रही है। अगर दुनिया सूद खा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सूद खाएं। और अगर आपको अब्बू के फायदे की इतनी ही फिक्र हो रही है ना, तो आप अपने दोस्त से कहें ना कि अब्बू के पैसे अपने बिजनेस पे लगा ले, तो एज अ पार्टनर जो भी नफा नुकसान होगा उसके अब्बू भी शराकत दार बन जाएंगे। आयशा की बात बिल्कुल दुरुस्त है एहतिशाम, तुम अपने दोस्त से कहो कि वो मुझे बहसियत एक पार्टनर शामिल करने को तैयार है तो ठीक। ठीक है ताज, मैं बात करूं। अच्छा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बाप को तुम जैसी बेटी अता कर। शुक्रिया अब्बू, चाय पे ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। काम था मुझसे बेटा? हाँ तायमी, काम तो था मगर मैं भूल गई। आप इतनी लंबी दुआएं मांगती हैं कि बंदा अपना काम ही भूल जाए। पता नहीं क्या कहने आई थी मैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब याद आए तब पूछ लेना। तायमी, इतनी लंबी लंबी दुआएं तो वो लोग मांगते हैं ना जिनके घर में मुसीबतें हों,
मगर हमारे घर में तो कोई मुसीबत नहीं है, फिर आप क्यों इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं? इसलिए कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने रब से दुआ मांगू, उसका हर वक्त शुक्र अदा करूं। उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि इन नेमतों का कोई शुमार ही नहीं। बेशक, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो अनुषा बेटा, मुश्किल वक्त में तो सब अल्लाह को याद करते हैं। मजा तो तब है ना कि जब हम अच्छे वक्त में खुशी के मौके पर उस रब को याद करें, उसका शुक्र अदा करें। ये तुम्हारे हाथ में क्या है आयशा, क्या लाई हो? अम्मी ने पाए भिजवाए थे, गरम गरम थे, का फौरन देकर। हाय अल्लाह, सदके जाऊं। नायला को पता है ना मुझे उसके हाथ के पाए बहुत पसंद है। तुम थकी हारी ऑफिस से आई होगी, उसने कहा फौरन सुकूटी निकालो और यास्मीन को गरम गरम पाए पहुंचाओ। मैं आप दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती। अनुषे बात याद आई, टाइमी भूल गई, बाद में बात करते हैं। इसका भी पता नहीं चलता। मैं लगवाऊं? हाँ, खाएंगी? सुरैया से कहो ये भाई दोनों मिलके खाते हैं। तस्बीह पूरी कर लो। अभी नहीं वाला देखा। मैंने मानव को भी दिखा। ये देखे, हमारी आशा के लिए रिश्ता आया। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह ठीक है। आप लोग देख लें, और बेहतर ये है कि आयशा पूछ लें। जी, मेरी तो समझ में आ रहा है। भाभी मुझे भी दिखाइए। हाँ खेलो। कैसा लगा नाजिया? भाभी लड़का तो अच्छा है, पर इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। अरे चची मुझे भी तो दिखाएं, मेरी बहन के लिए रिश्ता है। असल में उसने दाढ़ी रखी हुई है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उसकी उम्र ज्यादा है। बहुत ही दीनदार लोग हैं और खानदानी बहुत शरीफ लोग हैं। साइमा बाजी ने रिश्ता करवाया है, वो कह रही थी किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, तनख्वाह भी 80,000 है। जवेरिया आयशा को भी दिखा दो तस्वीर। ये ले, मौलवी साहब का रिश्ता आया आपके लिए। भाई अम्मी क्या है, मैं तो कहती हूँ इनकार कर दें। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया ये लड़का, हमारी आप इतनी प्यारी है। अब्बू जी, अम्मी जी, अगर आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्बू जी मैं भी जरा। माशाल्लाह, काश हमारी बच्चियों जैसी बेटियां हर घर में हो। आमीन आमीन। आप भी? आप पागल हो गई हैं क्या? क्यों हाँ किया आपने उसे? तस्वीर देखी थी उसकी? क्यों, सही तो था, अच्छा भला था, क्या बुराई उसमें? आप भी इतनी बड़ी दाढ़ी, ये तो और भी अच्छी बात है ना, सुन्नत रसूल है दाढ़ी। वो बेशक है पर
तनख्वाह भी तो मामूली है ना, 80,000 रुपए कमाता है और आजकल की महंगाई में 80,000 रुपए कहाँ गुजारा होता है आप ही? जवेरिया रिश्ता करते वक्त ना सिर्फ शान और शौकत या दौलत या खूबसूरती नहीं देखी जाती, वो शख्स इखलाक में कैसा है, उसमें कितनी दीनदारी है, ये भी देखा जाता है। अल्लाह करे फिर ऐसा ही हो। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती है आपकी। कहाँ रह गए हैं ये सब? अनुष कहीं जा रही हो तुम? जी ताई अम्मी, वो मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। बस वो आ रही है मुझे लेने। दोस्त आ रही है लेने? जी। हाय अनुष। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो आंटी। ताई अम्मी, ये मेरी दोस्त है शफक। ये हेलो हाय क्या होता है बेटा? हम मुसलमान हैं, सलाम करते हैं, सलाम हमारी पहचान है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अनुषा चले? हाँ हाँ चलो। अनुषे, ये जो ड्रेस बेटा तुमने पहना हुआ है, ये बाहर जाने के लिए मुनासिब नहीं है। क्यों ताई अम्मी, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो हमेशा ऐसी ही ड्रेसिंग करती हूँ ना, अब कौन सा मसला है? पहले की बात बेटा और थी, अब तुम्हारा रिश्ता असफ़ से तय हो चुका है। तुम मेरी होने वाली बहू हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बहू बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी बनो, और बेटियों की हिफाजत करना माँ का फर्ज है, और औरत की हया इसी में है कि वो अपने जिस्म को लपेट कर समेट कर बाहर निकले। मैं सुरैया से कह रही हूँ वो चादर भेज दिया तुम्हें, चादर लेकर जाना भाई। अनुषे, अनुषे मेरी बात सुनो यार। अब जी प्रेजेंटेशन देखें, इसमें कुछ भी करेक्ट करना हो तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी, वेरी गुड। देखो बेटा किसकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं बिल्कुल ठीक जी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ अभी। अम्मी आ रही हूँ बेटा, जल्दी आए। अम्मी सायम आंटी की कॉल है, आपसे बात करना चाह रही। अरे उसने बताने के लिए कॉल की होगी। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ सायमा, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं क्यों माइंड करूंगी, ये तो किस्मत की बात है। चलो ठीक है। क्या हुआ नाइला? वो कह रही थी कि हमारी आयशा तो उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, मगर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। सुन ले सदा।